शाह आलम खान को कौन नहीं जानता। जी हाँ, देश भर में जगह जगह जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कोचिंग क्लासेस वाले अपना व्यापार दुगना बढ़ा चुके हैं। बड़ी संख्या में बच्चे उनको सुनने आते हैं। उनके ज्ञान को प्राप्त कर बच्चे अच्छा स्कोर करने लगे हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस उनको उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार रही हैं। आज वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही रविवार को बोरीवली पश्चिम जगदीश भाई दानी क्लासेस में पहुँचे, जहाँ उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। आज JDC के माध्यम से मुझे 10th स्टैंडर्ड के कुछ वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स को पर्थ दर्शक इंस्टीट्यूट के थ्रू मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे यहाँ पे उनको मोटिवेट करने का मौका मिला आने का, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। क्या क्या विषय आज कवर किया गया, कुछ शेयर करना? आज विषय जैसे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए वी आर सिटिंग इन राइट नाउ जनवरी और 2 महीने के अंदर इनके बोर्ड एग्जाम है, तो बच्चा किस प्रेशर से गुजर रहा है, उस प्रेशर को रिलीज़ करते हुए उनको कुछ टिप्स, उनको कुछ टेक्निक्स बताते हुए आज का सेशन इस पे था कि सिर्फ पढ़ाई कैसे की जाए नहीं, लेकिन कितनी की जाए और किस तरीके से वो लोग अपना प्रेशर रिलीज़ करते हुए एक कम टाइम में अच्छा स्कोरिंग कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम में, ये उनको बताया गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस बच्चों का और JDS के साथ आपका? बहुत अच्छा, इट्स अ सुपर एक्सपीरियंस। JDCs के जो ये बच्चे थे ये काफ़ी अटेंटिव थे, काफ़ी उन्होंने ग्रास्प करने की कोशिश किया बींग फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम ऑल्सो, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया, एक इंटरेस्ट दिखाया कि वो लोग किस तरीके से चाहते हैं, उनके अंदर की भूख दिखाई दी कि कैसे वो पढ़ना चाहते हैं। और कोई भी अगर उनको जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके के सहारे की ज़रूरत है, तो वो बस ऐसा लग रहा था कि उनको ये मोटिवेशन की ज़रूरत थी और बस ये 2 महीने के अंदर वो लोग चार्ज होकर कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं आने वाले टाइम में। कुछ बच्चे आपसे रिलेट भी कर रहे थे, आपके जो पर्सनल स्टोरी थी उसको भी उन्होंने फीडबैक दिया उसको लेकर के, हमको वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके पीछे? जी सर, जैसे काफ़ी लोग जानते हैं, जो मुझे करीबी जानते हैं, कि मैं खुद आज एक सक्सेसफुल टीचर हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट अनोरा आलम ट्यूटोरियल के नाम से गोरेगांव में, लेकिन मैं खुद अपने स्कूल डेज के अंदर एक काफ़ी फेलियर और एक काफ़ी वीक स्टूडेंट रह चुका हूँ, काफ़ी डल स्टूडेंट रह चुका हूँ। लेकिन कैसा वक्त एक बहुत बड़ा मरहम होता है सर, वो धीरे धीरे लोगों को सिखाता है, समझाता है और ठोकर लग लग के लोगों को समझ में आती है। तो आप 2 तरीके से सीख सकते हो, या तो आप दूसरे की गलती से सीख सकते हो या तो आप खुद की गलती से सीख सकते हो। तो खुद की गलती से सीखने में काफ़ी समय जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या गलतियाँ किया हूँ और मुझे कितनी ठोकरें लगी है और उन ठोकरों से आज मैं किस तरीके से सक्सेसफुल बन चुका हूँ, वही बच्चों से एक्सपीरियंस शेयर करने आया था और काफ़ी उनको कोशिश किया कि सिखा सकूँ कि अगर आज आप फेलियर हो तो कोई ज़रूरत नहीं कि ज़िंदगी भर आप फेलियर हो गए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा हो सकेगा आप उसको रियलाइज़ करिए, सीखें और आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा यहाँ पे एक अच्छा मार्क्स ला सकता है और ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर, अपने टिप्स कुछ शेयर करना चाहेंगे बच्चों से जो आपको देख रहे हैं? मैं बच्चों से, पेरेंट्स से, हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए। सेल्फ स्टडी मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, अगर 2-3 घंटे के लिए स्कूल सॉरी 6-7 घंटे के लिए स्कूल में जाता है और 2-3 घंटे के लिए कोचिंग क्लासेस में जाता है, तो सिर्फ ये समझिए कि वहाँ जाके बच्चा पढ़ रहा नहीं है, वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोचिंग क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा सिर्फ अगर घर पे आके होमवर्क करता है, असाइनमेंट करता है, तो वो पढ़ाई नहीं है। लेकिन ये सारे काम के अलावा अगर 1 घंटा भी वो खुद से एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर बैठता है जिसके अंदर वो जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कि वो क्या चीज़ पढ़ रहा है, खुद से, उसको बोलेंगे सेल्फ स्टडी। हाँ, पूरा अटेंड किया आज तक, बहुत सारे सेशन देखे, ऐसे 2-3 बार सेशन सर ने हमने बुलाए थे, पर ये सेशन फैंटास्टिक हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसी लाइफ के लिए नए नए चीज़ें, सक्सेस के फॉर्मूले सब सर ने इतने अच्छे तरफ से विद योर ओन एग्जाम्पल सिखाए, जैसे अभी थियोरी वर्क में और जो खुद एक्सपीरियंस जो शेयर करते, तो उन्होंने उनके जो शेयर किए हुए एक्सपीरियंस है हमें बहुत इंस्पिरेशन दे सकते हैं, आगे चल के हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। तो इट वॉज़ ग्रेट। मतलब आज तक मेरे को ये कन्फ्यूज़न था कि मैं 10th के बाद क्या करूँगी, बट आज जब सर का लेक्चर सुना तो आज मैंने फिक्स कर लिया कि जो मेरा पैशन डांस था उसको ही मैं अभी अपना ये बनाऊँगी करियर, एंड आई विल डू दैट। उनकी स्टोरी मतलब पहले तो लगा नहीं कि सर 8th फेल हो गए होंगे, बट जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी अच्छे से बताई तब पता चला कि मैं अभी जैसी भी हूँ ना, मैं अगर और करूँगी तो और अच्छी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोल रहा पहली बार सर बुलाए हमको, तो
بہت اچھی لگی. کیا سیکھا, کیا سیکھا آپ نے, کیا سیکھا آج؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے, جتنے بار ہوتا ہے اتنے بار ہمیں کرنا چاہیے ٹرائی. تو وہ موٹیویشن کے حساب سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا آج. تو سنڈے, آج کا جو سنڈے ہے وہ شاید تو میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو موٹیویشنل اسپیچ تھی اس میں بہت ساری چیزیں نوٹیسنگ تھی, پر جو سر نے 7 اسٹیپس بتائے تو سکسیز اٹینڈ کرنے کے لیے, وہ بہت مجھے بہت پربھاوی لگے, کیونکہ اس اسٹیپ سے ہی ہم سکسیز اچیو کر سکتے.